भाजपा नेता केसीनाथ त्रिपाठी का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया गया। सांसद कपिल मुनकरवरिया सहित अन्य दलों के नेता भी पहुंचे भाजपा नेता को बधाई देने। कल्याण और केसीनाथ की फिर जुटी जोड़ी। पूरे कल्याण को खाली है, उनसे आग्रह है कि स्वस्ति वाचन। पंडित जी को आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए इस जिले के बाहर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं। और चूंकि मेरे पंडित जी 45 साल पुराने बड़े घनिष्ठ अटूट संबंध हैं, मैं भी अपनी शुभकामना देने के लिए यहाँ आ जाए। लोकसभा के चुनाव में आप लड़ेंगे? मैंने कह दिया ना, मैंने एटा से टिकट मांगा है पार्टी से, पार्टी टिकट देगी तो मैं एटा से चुनाव लड़ूंगा। राम मंदिर मुद्दा क्या एजेंडे में बीजेपी का? राम मंदिर का मुद्दा इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। जो भाजपा में नहीं भी हैं, दूसरे दलों के हिंदू भी चाहते हैं कि वहाँ पर राम का मंदिर बने, लेकिन जैसे ही राम मंदिर का राजनीतिकरण किया जाता है तैसे ही वो दायरा संकुचित हो जाता है। इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इसको इलेक्शन मुद्दे में रखा। यद्यपि हमारे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होते हुए अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बने। ये बताएं, मुजफ्फरनगर में जो ताज़ा हिंसा हुई है, अभी फिर छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, इस पर क्या? देखिए, आप इस छुटपुट घटनाओं पर जाने के बजाय इसके मूल में जाइएगा। पहले दिन एक गांव में एक हिंदू युवक को और उसकी बहन को लोगों ने छेड़ा, उसमें उसकी मौत हो गई और उस हिंदू लड़के को काट काट के उन्होंने ख़त्म कर दिया। पुलिस ने उस हिंदू लड़के को मारने वालों को पकड़ लिया। एक्शन वहीं से पैदा हुआ। इस मुजफ्फरनगर के दंगे के लिए अगर नंबर एक पर कोई जिम्मेदार है तो है आजम खान, और नंबर दो पर कोई जिम्मेदार है जो उस दंगे को अभी काबू नहीं कर पा रही है, वह है उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, इसको लगातार? ये सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहे दंगा खत्म न हो। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं 2 बार मुख्यमंत्री रहा, इस प्रदेश के अंदर कहीं पर भी एक दंगा हुआ क्या? इस प्रदेश के अंदर 1 घंटे का भी कहीं कर्फ्यू लगा क्या? सरकार, वो भी मेरे पास वही अधिकारी थे, इनके पास वही अधिकारी हैं, लेकिन आज अधिकारियों को ये विश्वास नहीं है कि सही काम करेंगे। सब नहीं देखना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ईमानदारी से कार्रवाई होती है तो रिएक्शन नहीं होता है, जब बेईमानी से कोई कार्रवाई होती है तो किसी न किसी वर्ग में उसका रिएक्शन होता है, और यही एक कारण है कि मुजफ्फरनगर दंगा अभी रुक नहीं पा रहा है। एक सवाल है जो खेल से थोड़ा सा हट के है, राजनीति और मुद्दों से हट के है। सचिन तेंदुलकर जो एक क्रिकेटर, आप क्रिकेट देखते हैं? कभी कभी। सचिन तेंदुलकर और सचिन के बारे में तो जो कुछ हमने सुना है समझा है जी। वो तो किंग ऑफ क्रिकेट बनकर रिटायर हुआ है जी। देश को सचिन के ऊपर गर्व है जी। सचिन अब जा रहे हैं कि आपको कमी खलेगी? एक अच्छे खिलाड़ी कमी तो खलेगी ही, लेकिन मेरा अपना विश्वास है आने वाली टीम में भी कोई न कोई सचिन पैदा हो जाएगा। आज के कार्यक्रम को आप किस? देखिए, आज के कार्यक्रम ने कार्यकर्ताओं को शक्ति दी है और भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करने के लिए प्रेरणा दी है। ये व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं होता, ये कार्यक्रम मात्र एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जब सारे कार्यकर्ता एकजुट हों और पार्टी के लिए कार्य करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें। इससे कुछ लगा कि ताकत आई पार्टी में और जी पार्टी की जो शक्ति है वो और एकजुट होकर दिख रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी की शक्ति एकदम एकजुट है जी। और उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैंने जो बात कही है जी। कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास और भूगोल बदल देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतिहास बदलने की और भूगोल बदलने की दोनों शक्ति है। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें रही हैं जिन प्रदेशों में, वहाँ हमने पुराने कुशासन के इतिहास को बदल करके सुशासन, अच्छा शासन स्थापित करके नया इतिहास हमने रखा, इसलिए हमने पुराने इतिहास को बदल दिया। और आज देश में जिस प्रकार से खतरा उत्पन्न है, देश की अखंडता को भी चुनौती हो गई है कि हम टुकड़े पर टुकड़े देश किए जा रहे हैं। हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम कश्मीर के आधे हिस्से को वापस कैसे लें जो पाकिस्तान के कब्जे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये शक्ति है
कि उस हिस्से को वापस ला करके भारत में मिला करके हम देश का भूगोल भी बदल सकते हैं, ये शक्ति है। इसलिए हमारे अंदर इतिहास और भूगोल दोनों बदलने की क्षमता है। जन्मदिन पर जो इतना प्यार और सम्मान मिला है, क्या कहेंगे लोग? प्यार और सम्मान का देखिए कोई कारण नहीं होता, ये केवल हृदय की अनुभूति है और उसके उद्गार है कि कार्यकर्ता प्यार और सम्मान देता है। मैं समझता हूँ ये ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है जिसलिए कार्यकर्ताओं ने इतना स्नेह सम्मान और सहयोग दिया। कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप एक बार फिर से चुनाव लड़ें? वो पार्टी तय करेगी, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है।